और इसके अदब भी सिखाए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अदब भी सिखाए। या सही बुखारी की रिवायत है हदीस नंबर 6231, और इसमें फरमाया कि अल्लाह के रसूल फरमाया कि जब तुम सलाम करो तो छोटा बड़े को सलाम करें। अदब तो सिखाया है, एक कोई नहीं कर रहा है तो आपको करना पड़ेगा, पहल करने की फजीलत भी है। तो छोटा बड़े को करे, चलने वाला बैठे को करे, यानी चलने वाला या तो वो जो उठ के जा रहा है, दो जने बैठे थे वो कह रहा मैं चलूँ, तो उसका काम है वो सलाम करके जाए, उसको बैठे वाले को सलाम करें, या आप लोग बैठे और आप निकल रहे हैं तो आप बैठे वालों को सलाम करेंगे। छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करें, यानी आप चार लोग गए एक साथ, चार पाँच, पूरी कार से कहीं गए, मजलिस सजी हुई, पाँच सात लोग यहाँ पर, लेकिन पहले से वहाँ पर 50 लोग मौजूद हैं, तो आप सबका काम है कि उनको सलाम करना। छोटी जमात बड़ी जमात को सलाम करे, आने वाला मजलिस जो है तो मजलिस में वो सलाम करेगा, आने वाला उसको करेगा। और इस तक ये जो है इसमें तरगीब दिलाई गई, यहाँ तक तरगीब दिलाई गई कि आग अगर पेशाब भी कर रहे हो, और कोई जैसे कहा गया कि जैसे घर में दाखिल हो तो मस्जिद में दाखिल हो तो सलाम करके दाखिल हो, तो आप सलाम करें लेकिन आप जो है पेशाब खाना भी कर रहे हो तो वहाँ से जवाब तो नहीं देंगे, लेकिन इस तक उभारा गया है कि बाद में जब तुम फारिग हो जाओ तो उसके बाद आकर उसका सलाम का जवाब दो। वो सलाम को हमारे असलाफ के ताल्लुक से ही मिलता है। एक बार इमाम अबू दाऊद का वाक्य मिलता है कि इमाम अबू दाऊद जो है हमेशा हदीसों की इकट्ठा करने में, उसको समझने में, उसकी जो रिवायत है उसको, उसकी सनत के अंदर कोशिश किया करते थे अपने जहन में वही वो कि ये रावी कहाँ से, ये वो, मतलब आप देखें जो तहकीक करते तो उनका यही होता है, उनको धुन होती है, तभी तो ऐसी किताबें मुतबर लिख के गए। तो इतना होते तो वो एक बार कश्ती में बैठे, वो कश्ती में जैसे ही वो बैठे तो किसी ने उनसे क्या किया कि दूसरा जब कोई कश्ती में वो आया और वो बैठे हुए थे और किसी वो धुन के अंदर थे, मसले में किसी में लगे हुए थे, तो वो आके जैसी कश्ती में उसने पैर रखा और सलाम किया, तब इनको क्या है कि हल्का सा सुनाई तो दे गया लेकिन उन्होंने क्या है कि जवाब दे नहीं पाई, उसके अंदर इतने ज़्यादा मशरूफ थे। तो ये पहुँच गए पूरे, और वो उस आदमी उतर कर चला गया, उस किनारे पर उतर गया, कश्ती चल पड़ी, तो कश्ती चली गई और दूसरे किनारे पर जब पहुँच गए, तो दूसरे किनारे पर पहुँचे वहाँ जाकर, तो फिर जब उतरे तो इनको याद आया कि किसी ने मुझे सलाम किया था। अब उन्होंने शायद किसी से पूछा कि यार मुझे किसी ने सलाम किया, तो बोले वो तो वहाँ पर उतर गया। बोले कहाँ पर वहाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे वापस ले चलो। फिर दूसरी कश्ती में फिर बैठ कर गए, उस आदमी को ढूंढ के सलाम का जवाब दिया। हमारा असलाफ का तरीका तो यह था, तो इतनी जो है वो अहमियत इसकी रखा करते थे।